बटन और घुमा। अरे एक सेकंड। ना जी गांव का तो ठीक से कुल मिला, लेकिन इधर ज्यादा है भाई। कह दूं डूब के मर जाना चाहिए। आज गांव का आदमी नु कहे कि हमारे गांव बढ़िया है, तारा शहर की हालत खराब है। चलो वो को नहीं दिखा पाच रहा, लेकिन प्रशासन से विनती है अगला देख लो। यह व्यवस्था है, बारिश आई है और पड़ भी गया, और यह व्यवस्था है रेलिंग की। अब यहाँ पर पड़ेंगे कोई, अगर रेलिंग पड़ेगी तो कितना बड़ा हादसा कर सका है, कोई शक ना रखे। ये देखे थूक के बंद लगाए हुए इधर, और ये पड़ने को आज के दिन, अगर यह पड़गी तो कितने लोगों को एक्सीडेंट हो सका है और कितने लोग गाड़ी बकेंगे प्रशासन ने। और यो महाराणा प्रताप चौक है, नाम तो महाराणा प्रताप चौक देख दिया, व्यवस्था कौन दे लग रही के कहोगे। देख लो अंदर की व्यवस्था इससे बुरा हाल है और बाहर की व्यवस्था इससे बुरा हाल है। नमस्कार, मैं अजय, और एक और देख लो छोटी काशी का स्वर्ग, यो छोटी काशी का स्वर्ग है, ये हकीकत है, यो छोटी काशी का स्वर्ग है। अगर किसी को शक हो तो यहाँ पर धरातल पे आके देख ले। और ये कहानी आज की नहीं है, चाहे बारिश हो या ना हो, बस बारिश में ज़्यादा बुरा हाल हो जाए है। बिना बारिश के हाल तो बुरा इसका रहे है 24 घंटे, लेकिन ये स्थिति है आज की। अब कुछ बातें हमारे माननीय अधिकारियों के लिए, ऐसा तो है नहीं, अधिकारी हैं और प्राणी हैं कि कदे कटिंग दाढ़ी शेविंग शाविंग करवाने के लिए कुछ भी सामान तो लेने घर तो बाहर निकलते ही हो गए। और यो जो आशी गेट है, यो आज छोटी काशी का दिमाग कह लो, दिल कह लो, कुछ भी कह लो, सारा होता ही है। क्योंकि सबसे बड़ी सौभाग्य बात है भाई, पूरे वो इंसान का घर है जिसने पूरे विश्व के अंदर ऐसा शख्स हो ना जानता होगा, चौधरी बंशीलाल का, पता नहीं वे रह लिए के गाथा है और के धरोहर बना रखी शहर के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य यो है, उसकी कोठी से 200 मीटर 250 मीटर दूर या पाला ज़्यादा आधा किलोमीटर दूर लगा लो, उसके रोड की दशा यह है। और नू कोने के अधिकारी नहीं है, अधिकारी है, सब कुछ है, नेता है, लेकिन है तो सिर्फ एक लॉलीपॉप है। के तो दशा इन्हीं की दिखावें और के दशा अधिकारी की बतावें आने वाले लोग, क्योंकि यहाँ पे जो गांव जुड़े हैं उस गांव के अंदर ऑटो टेम्पू यहीं लगते हैं और पूरे गांव की गैदरिंग आने जाने वालों के रूप में यहीं इकट्ठी होती है, टेम्पू वाले के रूप में या और स्थिति के रूप में। ये है, अब वो डीसी साहब हैं, कटिंग करवाना आवे को नहीं, या कटिंग दिल्ली बॉम्बे जाके हुआ है, अगर आते हैं तो इस तरह वी आई पी एरिया कौन सा मतलब बहनी वो बता दियो। लेकिन दुर्भाग्य यो है, इसकी कहानी यह है, आम आदमी आमता आज डर है इस रोड को पर, ये बाइक वाला हुआ है, ये देख लो, यह स्थिति है आज के इस रोड की। अगर टाइम की बात करूँ तो 1:05 है, कोई बात नहीं, ये आपका हक है, एक मिनट, ये तो आपका हक है, बट्टा रहे आपका यार भाई, क्या करें बस, ये तो बट्टा आ गया आपका, प्रशासन की मेहर हो रही है सारी कुछ। अच्छा, हाँ जी, कितने हो? राकेश राणा जी, तिगराना से। राणा साहब, अपना सोनू। सोनू, तो गांव में जाके के पढ़ाई करोगे? छोटी काशी की मट्टी हो रही है और तो खराब मट्टी हो रही है। चलो राणा, धन्यवाद आपका। तो ये स्थिति है, अब कोई बुरा ना मानियो, अधिकारी नेता को केस करेंगे, सोच ले केस ना करियो, यहाँ की व्यवस्था के देख लियो जो देखनी चाहिए, और आज आपका हक है। और एक बात और, उरा अवैध कब्जे भी हैं, ये देखो, ये इनकी कोई घर की प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे कोई मालिक है, किसका मालिक है, ये उठाओ अपनी प्रॉपर्टी के अंदर रखो,
अगर शौक है लाइट लेने का, बिजली बरतने का, तो अपनी अद के अंदर करें। यही हाल आगे तक है, कभी कोई शक रख ले, बिल्डिंग जुआते दे लो जहाँ तक आपकी नज़र जाती हो। और ये हाल देखें, आज अवैध कब्जे गुलम को या फिर ये जगह इनकी है, ले रखी है, किस तरह की रखा है। लेकिन पूरे रोड के ऊपर हालात यही है, अवैध कब्जे भी उतने ही हैं जितने आज इस रोड की दुर्दशा है। दोनों थोक बराबर के हो रहे हैं। और बस अब किसकी बड़ाई कर लो, MLA की कर लो, MP की कर लो, DC की कर लो, ADC की कर लो, नगर परिषद की कर लो, BNR की कर लो, या फिर अब किसी की कर लो, लेकिन छोटी काशी का स्वर्ग दिखा दे गाड़ी ग्रुप में। ये है छोटी काशी का स्वर्ग। और आगे लोग खड़े हों, उन लोगों को तो बात बजवाऊँगा कि के हाल है छोटी काशी का। रोड वो है यो, कभी को शक कर दे रोड कौन सा भागा। और एक शोभा गौर भी है इसका, यहीं से 100-150 मीटर सारे पत्रकारा के ऑफिस भी अड़े हैं। और गरीब तक बा कमा खाव है, कबाड़ी गुरु में व्यापार करें अपने पालन परिवार के पालन पोषण के लिए। नमस्ते, आगे आ जाएं, आ जाएं प्लीज। हैं, क्या नाम आपका? रवि नाम है। रवि, हाँ। रोड की व्यवस्था क्या, देखो रोड की फिलहाल हालत बिल्कुल ख़राब है। कारण क्या मानते हैं? कारण में एक मौसम भी ख़राब है, थोड़ा बरसाती मौसम हो गया, बाकी वहाँ आगे तो पानी रुका ही रहता है। लगता नहीं कि आप लोगों ने भी अति की हुई है? हाँ, आज के दिन बोला मत, थोड़ा ना थोड़ा ये मौसम की वजह से ही दिक्कत हो रही है। नहीं, आज नहीं, 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 आज बिजली का भी काम। क्या नाम था आपका? रवि नाम है। रवि भैया, मैं आपसे एक सवाल तो कड़वा लेना रहा हूँ। लगता नहीं कि आपने भी आज अति कर रखी रोड के ऊपर? मौसम की वजह से ही कोई बंदे ही नहीं आ रहे हमारे पास, कबाड़ भी बाहर पड़ा हुआ है तो ना, हम तो उठवा देते हैं शाम की शाम। हाँ, साफ हो जाता है। अच्छा, लेकिन प्लीज आप भी थोड़ी सफाई रखे, पूरी सफाई का ध्यान है पूरा आपसे भी। हाँ, पूरा ध्यान। ये है नजारा 30। अच्छा, रोड कदम सुधर है भी के अड़े बालक थे, अड़े जवान हो, अड़े बुड्ढे हो जाओ। रोड तो बहुत सुधर गया, कुछ भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद तो सुधरा है रोड, ये बाद में ही हुई है थोड़ी दिक्कत। अभी कच्ची हुई फिर आगे, ये अभी हुई है, ये बीकानेर है, पाइप वाइप गिर है ना, पाइप गिरने से। उसके बाद सूद खोली? हाँ, उसके बाद सूद खोली, पाइप टूट गई ना, इस चक्कर में किसी ने सरकार ने क्या गिरे थे, वो पाइप क्या गिरे थे, पानी वाली सप्लाई के पानी गिरे थे। उसके बाद सूद खोली, एक हिस्सा बिल्कुल डैमेज हो गया, खुद ने करे है ये रहता रास्ता। ये तो आपकी मेहनत है, बर्तन लाग रहे हो भाई, ये हकीकत है। अगर मेहनत करी है तो बर्तन लाग रहे हैं। लेकिन विनती आप जैसे रोजगार करने वालों से कि थोड़ी सी आप भी मर्यादा रखो, अद रखो, ताकि रोड की सुंदरता आपके कारण बन जाए। आप इस रोड के वासी हैं, बात कड़वी है लेकिन बात तो सही है, आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी। तो ये हाल है, अब DC साहब आवे तो के चलते जाओगे आप, स्थाई कब्जा भी मिलेगा, ये तो फिर भी अस्थाई है, उठा लेंगे। ये जो कबाड़ियों का तो नाम बदनाम कर रखा है, ये ट्रांसफार्मर रखे हैं सारे। एक मिनट, एक मिनट साहब, सबसे पहले ये ट्रांसफार्मर दिखा के आया हूँ, मेरा दायित्व तो मेरा फर्ज था, चीज दिखाऊं सारे दिखाऊं। नहीं सुने 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 सबसे पहले मैं वो दिखा गया हूँ जो जनरेटर बाहर पड़े हैं। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, पब्लिक प्रॉपर्टी है, चीज वो दिखाऊंगा जो सार्थक होगी, चाहे आपके हित की हो, चाहे वो जनता के हित की हो। यहाँ तो थोड़ा पानी आता है, पानी आते कीचड़ हो जाता है। अग्रवाल अस्पताल की तरफ और कैमरा घुमा दो, दर्जी गाड़ी गुड्डी आ जाओ, सुलट जाओ। अग्रवाल अस्पताल ने जनरेटर लगा रखा और पटेल नगर की जगह आती है और कब्जा कर रखा है, और यहाँ से नहर है, इस पर बाग और बगीचे होने चाहिए। ये मेरी एक हम कब्जे हैं, कब्जे है इस रोड के। क्या कहेंगे सर? अब मैं तो भाई यही कहूँगा, जनरेटर लगे हुए हैं, ये बेकार लगे हुए हैं। ये बात तो है, शिक्षा दे है, पौधे होने चाहिए, बस कोई IAS बनियो, कोई IPS बनियो, कोई कुछ बनियो, लेकिन को नहीं, अवैध कब्जे हमें खुद कर लाग रहे हैं। तो उठ भी जाता है सामान जो होगा ना, हमारा तो उठ जाता है, शाम शाम गाड़ी लगती है, वो गाड़ी तो रोड पे ही लगेगी, जगह ही नहीं है गाड़ी लगाने की, गाड़ी लगती है वो लोड कर देते हैं, हमारा वो भेज देते हैं। देखिए आपसे विनती है JNC की और भिवानी छोटी कैसी पब्लिक की, कि आप थोड़ी आदत करेंगे तो क्या मेरा वो भी सुधर जा। थोड़ी सी बारिश आते ही बुरा हाल हो जाता है, मौसम की वजह से लेबर की दिक्कत हो रही है, इस वजह से थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 2-3 दिन। कोई बात नहीं, यो अच्छा मौसम आया, यो अच्छा मौसम आया, गरीब भी मर गए, डंगर भी मर गए, यानी सारा सौदा ही मर गया है। और व्यवस्था यह है, अवैध कब्जों मरुमों को
तो जो शिक्षा देने वाले लोग हैं आज वो अवैध कब्जे करे बैठे हैं जनरेटर जगह पे, जैसे कि उनकी खानदानी जगह है। हद है भाई, अगर शहर के अंदर पढ़े लिखे लोग कौन सुधरेंगे तो सुधरे कौन गा। दूसरी बात, जो वहाँ पे दुकान है, बड़ी बड़ी दुकान है मिष्ठान भंडार की, और वहाँ से जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, लगभग माल वहीं से जावे, पर गलत काम कोई वहीं पीछे होने लग रहा है। हद की बात है। और रोड की व्यवस्था यह है कि आज एक आदमी को बुलाया और सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए, ये समस्या है। तो सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए, अगर डीसी साहब दाढ़ी कटिंग करवाने भी कितने बाहर आओ, हासीगेट पाओ या इससे अलावा कहीं जाओ हो, तो दाएं बाएं गाड़ी से निकल के देख लिया करो कि मेरे शहर की दशा के है और लोग चावा के हैं। अगर कसूरवार ये है तो इन्हें धमका दो, अगर वे है तो उन्हें धमका दो और सार्थक काम करवा दो, ताकि इनका भी जी करेगा इस एरिया में एक कबाड़ की बजाय एक एक पौधे लगा देंगे। सही बात है, एक एक पौधा लगा देंगे, बिल्कुल पाँच लगा दें जी, एक के पाँच लगा दें। रोजगार होना चाहिए, बेरोजगार हो गए। मोदी जी ने वादा कर रहा था मैंने के दे दूंगा, और के चांद पे बिठाऊंगा और प्लाट कटवाऊंगा, पता कौन के दिया था वादा, लेकिन लॉलीपॉप दिया जरूर था, जो समझ तुच्छा था। तो मोदी ने मैंने के दिया, लॉलीपॉप जरूर दिया, जो आज युवा चुसन लग रहे हैं, वो 65% युवा तकदीर तो बदलेगा देश की, बदले किस तरह का वो ग्राफ कौन बनाया मोदी जी ने अभी तक। हद की बात है, बदला किस तरह का ये सीवर की व्यवस्था देख लो, चाहे किसी के अंडर आओ, आदमी मरेगा पड़ेगा तो इसकी कंप्लेंट होगी, जब इसका जो आपको संज्ञान ले जा, जब अधिकारी उसकी पर जूरेंगे कि। हद की बात है कि तिगराने का आदमी आके कहते हैं कि मारा गांव तलत है, तिगराना बढ़िया बहन दे दो भाई, डूब के फिर मैं बात कहूँगा, लोग मैंने फिर कह के तू बद्दा ना बोल कर भाई, वास्तव में डूब के मर जाना चाहिए इस रोड पर रहने वालों लोगों को, इस रोड पर जो अवैध कब्जों में जनरेटर के बैठे हैं उनको, और इस रोड में जो कबाड़ी का काम कर रहे हैं उनको भी, कि आज पौधा जगह है ये अवैध कब्जा घेरते आवे हैं रोड फुटपाथ, इनके घरेलू जागृत है, खानदानी दे रखी है नहीं। अगर स्वच्छ शहर को बनाना है तो MLA MP की बाट कम देखो और आम लोग जागरूक हो जाओ, एक फुट दायरा आप घटाओ, दो फुट पड़ोसी अपने आप घटा लेगा, क्योंकि इतिहास है मेरी पुट तो अगले दोनों फोड़ दे, हर को चाव है इस देश के अंदर। तो विनती है DC साहब, विनती है MLA साहब, विनती है चेयरमैन साहब, जिसका अंडर जो काम आवन है, चाहे अवैध कब्जा का हो, चाहे जो रोड की व्यवस्था हो, वह हाथ जोड़ के विनती है इन क्षेत्रवासियों की, करवा दो। और ऊपर देखा जाम भी लग गया, इब काम नहीं करेंगे, खाएंगे के खाओगे के बढ़गा जी, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन करें कुकर को करने तो थोड़ा ही को नहीं करना चाहो तो चोरी डकैती करें तो FIR दर्ज, सजा और वह एक बीमारी, और कमा के खावे तो कोई उपलब्धि के नाम पर कोई चीज़ को देखी जावे ये दी हो, और भाई ये गा सके कि हमारे लिए काम कर दिया। क्या नाम है और क्या चलाते हैं? सर मैं वर्ल्ड वेब कंप्यूटर से हूँ, और कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाने का हमारा काम है, और मेन स्टडी का हमारा एजुकेशन का ही काम है। सर कह सकते हैं कि पढ़े लिखों की संगत है और पढ़ा लिखा काम है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जनरेटर तो वहाँ ऐसे रखा हो जैसे आपकी प्रॉपर्टी हो ना? सर जनरेटर को हमने एक एरिया में रखा हुआ है, एरिया आपका भी नहीं है? नहीं एरिया नहीं है, लिमिटेड एरिया में, जिस साइड हमारा ये अपना मीटर लगा हुआ है, पोल लगा हुआ है, पोल के अंडर अंडर है इसका। देखिए सर आपको देखे पड़ोसी ने आपसे डबल कर लिया। सर मेरे को देख के नहीं किया, ये आपके हॉस्पिटल वालों ने किया, हमारा कोई कब्जा नहीं है। आप हमारा सर मानते हैं, हमारे एरिया को मानते हैं कि आपका जनरेटर आज अगर आपको सुविधा चाहिए तो आप अपने दायरे के अंदर। हमारा एरिया जनरेटर का एरिया 3 फुट का है, अगर 3 फुट तक का अगर आगे आप कहीं पर भी 3 फुट से एक्स्ट्रा कोई चीज़ है तो हम उसको हटाने के तैयार हैं। तो क्या इस रोड पे आपको जिक्र है कि आपकी आज इंस्टीट्यूट है चले, या किस प्रकार से बच्चे आते होंगे बताएं स्कूल के, किस प्रकार से आते होंगे बच्चे? देखो बच्चे तो हमारे यहाँ रोड की वजह से बड़ी तकलीफ में आते हैं, जो रोड की प्रशासन की वजह से जो कमी हुई है उसकी वजह से हमें बड़ी दिक्कत होती है। बाकी क्या शिक्षा दे पाएंगे, क्या भविष्य तैयार कर पाएंगे? देखो हम तो यही कहेंगे कि भविष्य तैयार होगा, भविष्य तो ये गलत तैयार हो रहा है, ये तो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं। आज तो आपने किया है, वरना आज तक इस रोड की आप लोगों ने क्या किसी ने भी सुध बुध नहीं ली। अब लेगा प्रशासन सुध भी लेगा, सब कुछ सुध बुध लेगा, लेनी पड़ेगी, लेकिन बात वही है दायरा दायरा हुआ है। अब इन्होंने खम्भ तक बढ़ाया, अब यो के है पता को नहीं, लेकिन इसने देखो हद कर दी भाई,
ये आईडी लगा लियो, जनरेटर क्या फुट का है, हैं? और वो देख लो उस तरफ पल्ली तरफ देख लो, कहीं ऑक्सीजन लग रहे, कहीं कुछ भी लग रहा है, लेकिन बस खुलेआम है। जाकर देख लो आगे भी यो हाल है, जैसे घर की जागीर है ले लो, हैं? तो ढाई तो मैं पाँच वो काम रहा है आज के दिन छोटी काशी के अंदर। इस रोड की व्यवस्था को ऊपर देखा जा तो भिवाणी की सुप्रसिद्ध दुकान भाई पेवर माल पेवर क्वालिटी बिकानेर मिष्ठा भंडार, और उसके पीछे वो हाल है कि स्वर्ग नरक है, और उल्लेखन देख लो तो स्वर्ग है। दुकान है मिठाइयों की भाई, प्रत्येक सामान की जो आज जीभ के स्वाद के अंदर हो। सर नमस्कार ओम जी। नमस्कार। पीछे की दशा बड़ी खराब है सर, क्या कहेंगे? ये तकरीबन पिछले एक साल से यही हाल है, यहाँ से कभी पानी ख़त्म ही नहीं होता, इतना गड्ढा है, और कितने ही एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ। हमने कंप्लेन भी की है, लोग यहाँ सारा कूड़ा पूरे एरिया का कूड़ा यहीं डालते हैं। कौन कौन से अधिकारी मिठाई खाओ आपकी? सारे, पूरी भिवानी, पूरी भिवानी अधिकारी सारे आले हैं। बिल्कुल सर। लेकिन कहते अधिकारी मिठाई खाओ, एक लेटर डाल दो उनकी मिठाइयों में, डब्बा में, कि विधायक जी अधिकारी जी मिठाई उस दुकान की, मैं उस दुकान का मालिक हूँ, मेरे पीछे की व्यवस्था बड़ी ख़राब है, सुधरवा दो, आपसे विनती है, मिठाई भेजी है, प्यार भेजा है। हमने एक दो बार किए भी थी। अच्छा। सफाई भी हुई है, उन्होंने एक्शन भी लिया था, लेकिन उसके बाद में फिर लोग क्या करते हैं, वहाँ कचरा डालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में हमने एक दो बार वीडियो भी बनवाई है, सब कुछ किया, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपने भी की हुई है, आपने भी अपनी अच्छे ज़्यादा जनरेटर बाहर रखा हुआ, क्या कहेंगे? सर जी, जनरेटर मैंने मेरी हद में रख रखा है। लेकिन आपको देखिए, और पाँच लोगों ने निकाल लिया, वो उन्होंने अपनी हद क्रॉस कर दी। आप देखिए, आप प्रेमाइस कीजिए, आप देखिए, मेरा जनरेटर मैंने अपनी हद में इसीलिए चबूतरा बना के उसके ऊपर रख रखा है सर। ये लेकिन जो अवैध कब्जे हैं, चकबाड़ी ग्रुप में हो चाहे जनरेटर रखने वाले ग्रुप, बिल्कुल, तो क्या कहेंगे, लगता है कि सुनवाई हो सकती है आपकी? बिल्कुल सर, अगर सुनवाई करते हैं तो मैं सरकार के साथ हूँ, प्रशासन के साथ हूँ। तो आप अपना जनरेटर हटाना तैयार है? बिल्कुल सर, आपकी अधिकारी छत छत के ऊपर लगाएंगे, अगर प्रशासन ऐसे काम करेगा तो इस व्यवस्था बनाएगा तो मैं आप तैयार हैं। चलो भाई, शुभ भाग्य छोटी काशी का, ओम जी का और लक्ष्मी बिकानेर भंडार का, कि उन्होंने कहा कि मैं साथ हूँ, अगर प्रशासन कोई एक पहल करे है इस काम के लिए, अच्छी पहल करता है, तो मैं मेरा जनरेटर उठा के छत पर रख लूँगा। अच्छी बात है, जब लोग तैयार हैं तो प्रशासन क्यों सुत्ता पड़ा है और सत्ता है क्यों सोन लाग रही है, काम कर दो, वाह भाई अपने आप मिल जाएगी। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम अपना? मेरा मुनीलाल नाम है। अगर आपकी उम्र की बात की जाए, कितनी उम्र होगी यहाँ पे? 72 साल। तो आपने राजनीति का हर पहलू देखा, छोटी काशी का, वंश दल की सत्ता भी देखी है, उसकी पावर भी देखी है, सब कुछ देखा है, या रोड की दशा भी देखी है? नहीं देखी, इससे तो बुरी हालत हो ही कोनी, इससे भी बुरी बुरी। हम आपने बताया, ये तो बहुत परेशान हो रहे, सारा मोहल्ला परेशान है, आने जाने वाला परेशान है, हम तो तंग आए हैं। यानी जो उरावन है वो गाली दे है? गाली नहीं, गाली से भी जगह है कोनी गाली देने भी। अच्छा, इसका जो कसूरवार है, सीनियर हाँ जो लगा है, इसका जो सही दशा का कसूरवार है वो है कौन है? मैं कौन सा डिपार्टमेंट मान लो हो, कौन सा नेतल मान लो हो, किस प्रकार की बातें हैं तो बताएं, कुछ आगे जब बताएं। ऐसा ही कसूरवार तो प्रशासन ही है, प्रशासन के हाथ में ही है सब कुछ, जो तो है, चाहे वो कमेटी से संबंधित हो, चाहे B&R से हो, ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। DC है, SP है, DSP है, ADC है, वो 6 महीने बाद शहर में बदली हो जाए हैं। सारे के सारे आम हैं। 6 महीने जो काम है, वोट दें, जो MLA बना है, क्या उनका दायित्व को नहीं, मेरे शहर में एक समस्या बहुत मोटी रहेगी भाई, मैंने ठीक करनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल आपकी जायज़ बात है, बदल जाते हैं, लेकिन फाइलें तो नहीं बदलती ना, फाइलें तो वही रहती हैं, MP MLA तो वही है ना हमारे शहर के, वो कह के भैया काम पेंडिंग है, पहले इसको फारिग करवा। तो विधानसभा है, लोकसभा है, तो के जाके सो हैं? बिल्कुल सो रहे हैं जी, शहर में ईंट का काम भी नहीं है लगाने का, ना तो हमारे MP साहब करते हैं, ना हमारे विधायक साहब करते हैं, शहर का इतना बुरा हाल हो रहा है बिल्कुल, जिसका कोई अंत नहीं है। अच्छी है, डूबने के 2 साठ। बिल्कुल सच्चाई है जी, जब जब आओगे जब जब जागेंगे। बिल्कुल जागेंगे नहीं, सोएंगे उल्टे, शहर में पानी भर गया तो जागे, बाद में जागे, और भाई तक कौन जाग पाए। फ्लड के नाम का हर बार पैसा आता है, फ्लड कितनी बार आया हमारे देश में, हर बार पैसा आता, कहाँ जाता हो पैसा, कहाँ जाता हो पैसा, हर बार फ्लड का पैसा खाते हैं, प्रशासन क्या करता है उस पैसे का? कम से कम रोड बनवाए, गलियां बनवाए, सीवरेज की लाइन चेंज करा दे, पानी की लाइन चेंज करा दे, किमी तो कोविड ने मार दिए लोग, किमी बेरोजगारी ने मार दी। आपको तो अपने लूटा, घरों में कदम था, किश्ती उड़े डूबी जरा पानी कम था। बिल्कुल सच्चाई बात है, बिल्कुल पानी उड़े पर जरा पानी कम था। भाई दुर्भाग्य है, स्थानीय निवासी डायलॉग मारते हैं, उनका नाम के मैं मार दी हूँ, लेकिन कोई केस ना करे, अगर करना ही है तो वास्तविकता में इस रोड का काम करें, क्योंकि उड़े बात करना तो एक सवा किलोमीटर तो MP साहब की कोठी भी है,
नगर परिषद चेयरमैन का ऑफिस भी अड़ने हैं है? और डीसी साहब क्या चला सी सुने सुने और आरम देखा तो मंजिला का परिवार बैठने हैं, किरण चौधरी भी है, सब कुछ है और डीसी साहब की डाली भी बैठती होगी, बाल भी बैठते होंगे, सीर बकरे कटवान भी आते होंगे, अगर आवे है तो गाड़ी से जाके देख लिया करो, मेरे ख्याल में कोई कमी तो नहीं है, कहाँ कमी तो मैं पूरी करवा दूँ। महापुरुष करने से बनता है, महापुरुष ना करने से कोई नहीं बनता। इतिहास उठा लो इस देश का, जो जो महापुरुष बना है उसने करके दिखाया है और वो इस देश के लोगों ने सर का ताज बना के रखा हुआ है। तो सार्थक काम करें, चाहे काम नेता का हो, चाहे काम आपका डिपार्टमेंट का हो, चाहे नगर परिषद का हो, चाहे किससे का भी हो, स्थायी हो, स्थानीय निवासियों का, अपना अपना दायित्व कर्तव्य निभाएं ताकि आपके रोड की व्यवस्था सुधर सके और आपकी वाह भाई हो सके। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की खास रिपोर्ट।